बैतूल जिले के आठनेर क्षेत्र में प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि जिला प्रशासन को धारा 144 से लगानी पड़ी। दरअसल आठनेर में 3 दिन से युवक के लापता होने से लोग पुलिस के सुराग नहीं लगाने से काफी नाराज हैं। बुधवार शाम को युवक की लाश ताप्ती नदी के किनारे मिली है। हत्या की संभावना जताई जा रही है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर टायर जलाकर मुलताई, भैंसी और बैतूल के मार्ग पर अवरोध पैदा कर दिया। इस बीच सैकड़ों की संख्या में महिलाएं घर से बाहर निकल आई और महिलाओं ने दो शराब दुकानों में तोड़फोड़ कर दी और आग के हवाले कर दिया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने जब हल्का लाठीचार्ज किया, इस दौरान एसडीओपी अनिल शुक्ल को पथराव के चलते यहां पर चोट भी आई और यहां पर पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। चाहे एसडीओपी साहब को पत्थर मारना हो, यह सब अथवा शत्रुओं के द्वारा की गई है। परिजन का और गांव वालों का, स्थानीय नागरिक संभ्रांत नागरिकों का मांग बिल्कुल जायज है कि साहब हत्या का प्रकरण में ट्रेस होना चाहिए और मैं भी सहमत हूं और इसलिए हम प्रयासरत भी हैं और ट्रेस करेंगे भी। लेकिन यह असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की लूटपाट करना, शराब की दुकान जो 2 किलोमीटर दूर कस्बे से 2 किलोमीटर दूर है वहां पहुंचकर लूटपाट करना, इस बात का आशय है कि जानबूझकर प्लानिंग करके आए थे। और अधिक जानकारी के साथ युवराज गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवराज, आखिरकार यहां पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि यहां धारा 144 लागू करनी पड़ी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो छात्र संगठन जिसकी लाश 3 दिन बाद बुधवार को घाट के पास मिली हुई थी, उसके पहले उनके परिजनों ने जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पुलिस द्वारा इस मामले में ध्यान नहीं दिया गया और 3 दिन बाद जब उसकी लाश यहाँ पर मिली तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और उन्होंने लगातार पुलिस पर अनदेखी का आरोप लगाया था। इसके चलते उन्होंने जब चक्का जाम और जाम किया तब पुलिस व्यवस्था जो हो रही, पर एक चीज इस हमने पूरी तरीके से वह ऊपर क्या है कि पहली बार महिलाएं भी इस क्षेत्र में आंदोलन में पूर्ण रूप धारण किया और उन्होंने चूड़ियां भी पुलिस वालों को भेंट करी, उनके ऊपर चूड़ियां भी देखी। और सबसे अहम बात यह है कि जो शराब दुकानें हैं जिससे कि काफी समय से आंदोलन भी महिलाएं और लोग करते आ रहे थे, इन दुकानों को यहाँ से हटाया और दोनों दुकानें अलग अलग जगह होने के बाद भी गुस्से में जो भीड़ थी उनने उन दोनों दुकानों पर आग लगाया। बिल्कुल युवराज, यहाँ पर कल से ग्रामीण जो थे वो रोडों पर थे लेकिन इतना उग्र आंदोलन ही हो गया कि सरकार को यहाँ पर कहीं ना कहीं 144 लगानी पड़ी और भीड़ को काबू किया गया। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहें।